सभी, अब जैसे जैसे मैं जो जो पूजा में करूंगी आप ध्यान से देखना, ओके? सभी बेटा सब कुछ अच्छे से देख लेना, हाँ बड़े होके तुम्हें ये सब करना है। मैं कर लूंगी, और अब तो पेड़ ने भी कह दिया है। पेड़ ने? पेड़ ने क्या कह दिया? उस दिन लिखा था ना, मेरे पापा जल्दी आएंगे। मैं, मेरी आई और मेरे पापा तीनों मिलके पूजा करेंगे और हमारी होगी हैप्पी फैमिली। अरे वाह, पापा की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, सजावट भी तो देखो। मानना पड़ेगा सही ताई जैसी सुंदर सजावट किसी की नहीं। नमस्कार, इतना से भरा है कि नहीं? अरे तेरे को मालूम है क्या, ये जो पापा का आशीर्वाद है ना, मेरे तो घर जाएगा, तू टेंशन मत ले। चलो ना। कि मैं है ना इधर, तू जाना चाचा जी। सही, आज गणेश चतुर्थी है, कम से कम आज के दिन तो जगता आपको अंदर आने दे, उसे पापा का आशीर्वाद तो लेने दे। नहीं, वो जहां है वहीं ठीक है। सभी बार बार उसे अंदर बुला रही है, उसने तो पूरी तरह खुद को बदल दिया है बेचारा। तो आज मेरे लिए जो भी किया है ना, जिंदगी में मौका मिला तो मैं ये कर्ज जरूर उतारेगा। कन्नू, आपको मेरी विश पता है ना, हर बार वही मिस मांगती हूँ ना, मेरे पापा मुझे बेच दो, पापा इस पर आता है कि ना, तो मैं आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, पिंकी प्रॉमिस। और आपने मेरी विश सुन ली ना, तो उसको पूरी भी कर देना, प्लीज 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 प्लीज। अगर कहीं पापा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, अगर उसके बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए, तो तब क्या करोगी तुम? सही, जिंदगी भर उसे अपने बाबा से तुमने दूर रखा, लेकिन तुम्हें भी ये बात पता है कि बापा के मर्जी के आगे इंसान की मर्जी नहीं चलती है। इस लड़ाई में बापा भी एक माँ का ही साथ देंगे, बापा हमेशा सही का साथ देते हैं, और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं इस बार सही हूँ। सभी सिर्फ और सिर्फ अपनी आई की बेटी है, बहुत जल्द वो ये बात समझ जाएगी कि उसे अपने बाबा की जरूरत नहीं है। वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे सभी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। वो आदमी जिसकी वजह से मैंने अपना एक बच्चा खो दिया, मैं उसका साया भी अपने दूसरे बच्चे पे नहीं पड़ने दूंगी। सभी हर साल पापा से मन्नत मांगती है, मैं भी मांगती हूं। हाय, पोस्टकार्ड है ना? सेल्फी? हाँ। एक और। ओके। जल्दी जल्दी खुशी, विसर्जन की बहुत भीड़ होने वाली है, तो हमें सामूहिक विसर्जन केंद्र जल्दी पहुंचना चाहिए। तो सही कह रही है, मुझे भी आना है, मुझे भी ले चलो ना। आई बेटा, बहुत भीड़ होगी, प्लीज आई, प्लीज प्लीज प्लीज। सही मैडम ने सब कुछ कितना अच्छे से किया है ना, वो हम सबके लिए एक मिसाल है। उनको देखकर लगता है कि एक औरत
किसी भी मामले में मर्द से कम नहीं होती। मैंने तो अपने मुलगी को पहले से बोल रखा है कि बड़ी होकर बिल्कुल सही मैडम जैसी बने। गणपति बप्पा बोल या, अरे मंगल मूर्ति बोल या, अरे एक दो तीन चार, गणपति का जय जयकार। गणपति बप्पा बोल या। आज फिर देखते रहने का। गणपति बप्पा बोल या, अरे मंगल मूर्ति बोल या, अरे एक दो तीन चार, गणपति का जय जयकार। नमस्कार, कसं काय? सगळं व्यवस्थित आहे ना? तर घेऊ काय? चालू आहे ना? नाहीतर मी बोलायचो ना, ऐकून नाही जायचं कोणाला। 1 2 3 1 2 3 सर्व गणेश भक्तांचं हार्दिक अभिनंदन। गणपती बाप्पा बोलिया। आज बाप्पा अपने घर जा रहे हैं, लेकिन सभी भक्त लोग जो यहाँ मौजूद है एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। कौन सा पाप आमदार साहेब? अरे बोलतो है रेमी, ये बोलतो है गेमी। तो गणपति विसर्जन ये बहुत पुण्य का काम होता है, अंग्रेजी में तो कहते हैं ना वेरी प्योर वर्क। लेकिन कोई है जो इस पवित्र वातावरण को दूषित कर रहा है। ऐसा कौन है? इस विसर्जन में एक ऐसी औरत है जिसके घर का, घरवालों का, पति का, परिवार का कुछ अता पता नहीं है। चाल सा कुल बिया। अरे कौन है? कौन है? मेरी तो समझ के बाहर की बात है ये। अरे आप सब लोग अपने भी एक ऐसी औरत को इतने पवित्र पर्व में शामिल कैसे होने दे रहे हैं? किसी को कुछ पता है क्या? कोई जानता है इस औरत को? कौन है ये औरत? ये विधवा है या सधवा है? आई क्या बोल रहा है? मौसी, इसे लेकर जाओ यहाँ से। सब भगवानों को ये तो एक हलीमी। सबरन बोल तो अगर ये विधवा है तो फिर ये ऐसे रंग बिरंगी चटकीले फटकीले कपड़े काय को पहनती है? और अगर ये शादीशुदा है तो फिर ये मंगलसूत्र और लाल हरी चूड़ियां ये सब कहाँ है? बात तो ऐसे ठीक ही बोल रहे हैं आमदार साहब। हाँ, इसके बारे में किसी को कुछ पता भी तो नहीं है। मैं तो पूछता हूँ कहाँ है इसका पति? कौन है इस बच्ची का बाप? और ये मास्टरनी बनके अपनी गांव की औरतों को पढ़ा रही है। तो ऐसी औरत गांव की औरतों को पढ़ाई? अरे जरा सोचिए ना, आपके बहू बेटियों को ये क्या सिखाएगी वहां पर? ये गुलाब जगताप। अरे सही, इसको मैं ठीक। सब ने देखा, गांव वालों ने देखा, मास्टरनी ने चुप बोला और ये चुप हो गया। जरा पूछिए इसको, कौन है ये? क्या संबंध है इसका इसके साथ? एक गुंडा मास्टरनी के चुप चुप बोले ऐसा कड़ा हुकुम कायदे से क्यों मानता है? इनका आपस में नाता क्या है? ए मौसे, क्या बोलती तू याला? मामा बोलती या चाचा बोलती है?